एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। तो ये मैथिल क्लोराइड दिया हुआ है, तो मैथिल क्लोराइड का फॉर्मूला देख लें आप, इस तरह से होता है, ठीक है। ये क्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं, तो क्लोरोमेथेन में, हाँ ये क्लोरोमेथेन ही है, मैथिल क्लोराइड नहीं है, ये क्लोरोमेथेन है। तो क्लोरोमेथेन CH3Cl ये होता है, स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, ये आप समझ जाएंगे कैसे शेयरिंग होती है। हमें समझना है नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब कोवेलेंट बॉन्ड की नेचर यहाँ पर देखो, कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन है, वो चार जो है चार इलेक्ट्रॉन रखता है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो चारों के चारों लॉस कर दे या चारों के चार चार किससे गेन कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एज दिस प्रोसेस मेक अ सिस्टम अनस्टेबल, ठीक है, इससे क्या होगा कि जो वो है वो प्रोसेस सिस्टम जो है अनस्टेबल हो जाएगा, कि अगर वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और या चार इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेता है तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट रिक्वायर, ठीक है, ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये आयोनिक बॉन्ड बना ले, ठीक है, इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। जब कोई चार इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है तो कौन से बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इसके बाहरी सेल में चार इलेक्ट्रॉन है, तो चार इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करने के लिए तभी तो ऑक्टेट पूरा होगा, या तो वो चार लॉस कर दे या चार कहीं बाहर से गेन कर ले। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब क्या होगा, देयरफॉर जो क्लोरोमेथेन है CH3Cl है, वो अपना ऑक्टेट कैसे शेयर करेगा, कंप्लीट बाय शेयरिंग, कॉन्फिगरेशन बाय शेयरिंग ऑक्टेट। तो अब क्या करेगा, चार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, अपने चार इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ठीक है, इसके चार इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पर क्लोरीन के साथ कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन पे सात इलेक्ट्रॉन है, छह ईयर है, ठीक है, और सातवां ये यहाँ शेयरिंग में आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ कर लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक की शेयरिंग दूसरे हाइड्रोजन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तीसरे हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तीन हाइड्रोजन और एक क्लोरीन के साथ कर लेता है, और इससे इसके जो आठ इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑक्टेट। तो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है बाय शेयरिंग इट्स फोर इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग करने से कौन से बॉन्ड बनते हैं, शेयरिंग से बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ये बात हमें याद रहनी चाहिए, बाय शेयरिंग फोर इलेक्ट्रॉन विद कार्बन एटम एंड और विद एटम और अदर एलिमेंट्स, हेंस द बॉन्ड दैट एग्जिस्ट इन CH3Cl इज कोवेलेंट, ठीक है, कौन सी बॉन्डिंग हो रही है यहां पर, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। अब इसकी नेचर को समझो, तो कार्बन रिक्वायर द फोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, व्हाइल द ईच हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट दैट रिक्वायर्ड ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो उसको अपने दो पूरे करने हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन के दो पूरे हो गए, और कार्बन को आठ पूरे करने, उसके आठ पूरे हो गए, क्लोरीन को आठ पूरे करने, उसके आठ पूरे हो गए। क्लोरीन रिक्वायर एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, देखो उसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो देयरफॉर ऑल ऑफ दीज शेयर द इलेक्ट्रॉन, एज रिजल्ट द कार्बन फॉर्म थ्री बॉन्ड विद हाइड्रोजन एंड वन विद क्लोरीन। बस हमें यही चीज इसके स्ट्रक्चर को ही समझाना था, और सबने कैसे बॉन्ड बनाए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। क्लियर है, तो समझ गए ये आंसर, इस तरह से आपको जो है इसका आंसर लिखना था।